टीवी पे आप देखते होंगे कि बेटा आप चौके और छक्के लगा रहा है, तो पहले वो हम देखते ही नहीं थे। अच्छा मैच तो आप क्रिकेट नहीं देखते थे, जब से बेटा टीवी पे आया तब वो क्रिकेट भी खेलता था तो हम नहीं देखते थे। अब ये डर डर लगता था, पता नहीं चोट लग जाए, चोट ना लग जाए, आउट ना हो जाए, बस यही। और लेकिन अब तो दिल जो है सीना एकदम चौड़ा हो जाता होगा कि बेटा मेरा चौके और छक्के लड़ा रहा है। वो तो है ही, गर्व होता है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ने हमको जो खुशी दी है ना, वो और किसी चीज़ से तौली नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा खुश है हमको। अब लग रहा है अब बस यही है कि वो इंडिया टीम के लिए, अब लग रहा है जो संघर्ष था वो खत्म हो गया है। उसका सपना है कि वो इंडिया टीम के लिए खेले, तो बस मैं भगवान से यही प्रार्थना है मेरी कि जो उसका सपना है वो पूरा हो जाए। सपना है इंडिया न्यूज़ में इंडिया के लिए खेलने के लिए, निश्चित। लगातार आपने भी संघर्ष देखा होगा, तो उस वक्त ये लगता होगा कि क्या कर दे बेटे के लिए, जो जो बेटे का रास्ता है वो एकदम आसान हो जाए। भाई मैं पिता हूँ, अब मैं तो कोई भी बेटे का कष्ट होगा तो पहले बाप ही झेलेगा, तो मैं तो बराबर उसके साथ था, जहाँ भी ज़रूरत होती थी उसके साथ रहता था, जब भी ज़रूरत होती थी मैच देखने चला जाता था, हौसला बढ़ाता था उसका, भले दूर था तो लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालता था, जाता था, कोई भी कमी हो, कोई भी चीज़ की कमी होती थी तो जो भी अपने से बन पड़ता था करता था। बेटा जब माता जी जब सफल हुआ तब तो लोग बड़ी तारीफ कर रहे होंगे कि हमारे गांव का है, हमारे परिवार का है, लेकिन संघर्ष के दिनों में लोग जो है सिर्फ और सिर्फ संघर्ष तो अकेले ही करना पड़ता है। संघर्ष तो अकेले सभी करते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो सबको पता चलता है। तो वही हुआ इसके साथ, अब तो सब संघर्ष को चुपचाप अकेले ही किया उसने। हाँ, संघर्ष में भी कई लोगों ने उसका साथ दिया, जैसे ज्वाला सर ने दिया। ज्वाला सर, एक पप्पू सर थे आज़ाद मैदान पे, वो थे हमारे रिश्तेदार थे जो संतोष, जिनके घर वो रहा काफ़ी दिन, उन्होंने ही उसको शुरू में रखा दिया। मतलब सबसे ज़्यादा हिम्मत तो उन्हीं ने दिया ना कि आओ भैया हम देखते हैं जो बन पड़ेगा। भाई उनकी भी परिस्थिति हमसे बढ़िया नहीं थी, लेकिन महानगर में रहने और खाने की व्यवस्था उन्होंने दी, सपोर्ट किया, टिकने के लिए एक बड़ा माध्यम दिया। माध्यम माध्यम ऐसे ही धीरे धीरे माता पिता के बाद वो यही देखा कि मुंबई में अच्छे लोग बहुत मिले उसको, अच्छे लोग बहुत, और कारवा बनता गया वो चलते गए। उसको वही है, जब ऊपर वाला चाह लेता है तो रास्ते अपने आप बनने लगे, जब चाह तब रहा। मुंबई में एक चीज़ मैंने देखी कि वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट किए, सपोर्ट करते, टैलेंट की कदर करते, और ऐसे वो आगे बढ़े। एक छोटे से गांव से निकल कर जहाँ पे सही रास्ते भी नहीं है, बेटे ने महानगर तक का सफ़र तय कर लिया। लगता है कि अब इंडिया के लिए जब खेलेगा तो कितना गर्व होगा। अब बहुत खुशी होगी, उसको तो बताया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है कि कितनी खुशी होती है हम लोगों को कि जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया। जब बेटे ने चौके और छक्का लगा रहा था तब आप भावुक हो गई थी। बिल्कुल वो खुशी, मतलब क्या बताएं, खुशी के आंसू थे, रुकते नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा। उस दिन हम लोग तो बहुत रो रहे थे कि मतलब क्या कर दिया आज इसने, आईपीएल में शतक मारना है, मतलब मामूली बात नहीं। 62 गेंदों पे 124 रन, निश्चित। एक और आखिरी प्रश्न सर, बेटा का तो सपना है ही है, आप लोग कहाँ देखते हैं बेटे को अब? अभी हम ऐसे कैसे कहते, बस मैं ये बेटे को यही बोलता हूँ, यही समझाता हूँ, बेटा मेहनत करो, मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी, और मुझे विश्वास है कि उसकी मेहनत पर भगवान एक न एक दिन उसको जरूर कोई ना कोई रास्ता देंगे। जो मेरा सपना है नीली जर्सी का, भगवान उसको जरूर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर पिता का सपना जो है यशस्वी जो है वह साकार कर रहे हैं। पिता का सपना देश के लिए खेलना है, अभी यशस्वी आईपीएल राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। पिता का सपना है कि बेटा जिस दिन नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगा उस दिन मुझे और भी गर्व महसूस होगा। बेटा जो है अपने संघर्षों के बल पर यह कामयाबी को हासिल किया है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।